काजू आने लग गया ना। फ्लावर, अभी फ्लावर आ रहा है। जैकफ्रूट, ये रबड़ के पेड़ है पूरे, रबड़ की खेती। और ये है बिल्कुल ग्राउंड, घर बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ के घर बहुत अच्छे लगते हैं एकदम लोकल में। ये है एकदम मेन केरला, एकदम ग्राउंड जीरो। मौसम बेहद सुंदर खूबसूरत। टाइम हुआ है कुछ 5:15। हाय, सुपारी बोलते हैं उसको, पान में डालने के लिए। ये है वो खेती, बहुत ही सुंदर हरा भरा। यहाँ मुझे चीकू का जैसा लग रहा है। चीकू का है क्या है? ये पेड़, हाँ वो, ये वो नटमेग, हाँ नटमेग, ये बहुत ज़्यादा है इधर। इसमें आ भी रहा है, कहाँ है इसमें तो, हाँ ये देखो, ये फल है, पता नहीं ये काफ़ी सारे हैं पर देखो। एक खाने के लिए भी अच्छा है, इसके अंदर होता है खाने का, अंदर ना ये बाहर वाला खाएगा। साफ करके निकाल के, बहुत हार्ड है। हाँ आयरन फिस्ट, ये लाल हो जाएगा पर। ये बाद में खाते इसको हैं। 5,000 रुपया एक किलो, एक किलो 5,000। हाँ ये वाला 900 रुपया अंदर वाला। ये देखिए, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये। ये है इसका पेड़, हमारे वहाँ ऐसा पापड़ का पेड़ होता है, पापड़ी का पेड़ बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ऐसा ही है, बट उसका ना फ्रूट अलग रहता है, खाने का नहीं रहता वो। ये सब पेड़ ऐसे ही है, मैं इसको चीकू समझ रहा था, मुझे लगा ये चीकू का पेड़ है, दूर से चीकू जैसा लग रहा था। यहाँ अलग अलग फार्म हाउस टाइप के घर बने हुए हैं, बहुत शानदार, पूरा हरा भरा है एकदम। ये देखिए जैकफ्रूट कितना नीचे लग रहा है, और उस पेड़ में तो बहुत सारे हैं। ये वाला देखो कितने सारे हैं, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर कारपेंटर काम कर रहा है, हर जगह अलग अलग टाइप के घर मिलेंगे। ये पान वाला है, सो ये कोविड के लिए बनाया हुआ है, इधर रास्ता बंद। वो केला वो बड़ा वाला बनाना, बनाना चिप्स बनाना वाला। मैं पिछली बार चिप्स लेके गया था, दीपू ने मुझे चिप्स दिए थे 2 पैकेट, ठीक है, वो बहुत टेस्टी थे, लेकिन मैंने जब महाराष्ट्र में जाके लिए थे हमारे उधर, वो चिप्स मुझे बहुत बेकार लगे,
वो आई थिंक सादा केला वाले थे। ये देखो पपीता भी है इधर, पपाया। और ये शायद स्कूल टाइप का लग रहा है इधर। बनाम सपोटा, सपोटा खाने वाला मीठा वाला। अच्छा मुझे नहीं पता है क्या होता है। ये फिर से रबड़ का खेती, रबड़ के पेड़ है इसमें तो नहीं लगाया हुआ है। ये देख के जैक फ्रूट पूरा ऐसा लगा मोटा मोटा। ये देखिए मैंगो, मैंगो भी इसमें बहुत आ रहा है। आम शिवा मंदिर में पूजा के लिए फूल। ये देखो रबड़ लगा हुआ है इसमें, इसमें निकालने के लिए लगाया हुआ है। कुछ टाइप के लगे हुए हैं जिसमें रबड़ टपकता है दूध, उससे फिर रबड़ बनता है। ये आ गया पूरा सामने ग्रीन फील्ड। मुझे नहीं पता कैमरे में कितना अच्छा रिकॉर्ड होगा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर भी एकदम शानदार है। ये पता नहीं कौन सा खेती है, खेती नहीं वो गाय के लिए। अच्छा चारा, ये नारियल का चारा। हाँ ये देखें नारियल कितने सारे लगे हुए हैं। ये है पूरा असली केरल जिसको बोलते हैं ना, ब्यूटीफुल केरल। सिटी में तो आपको सब जगह ऐसा ही मिलेगा, एक जैसा सिटी मिलेगा, लेकिन लोकल में आप आओगे तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। गाँव ये सड़क अभी बना है, हम जब इधर से गए थे तो ये बन रहा था, अभी इसको कंप्लीट कर दिया। मतलब काम भी बहुत फास्ट होता है इधर ना। मतलब ऐसा है जिधर देखोगे उधर फल फ्रूट ही फल फ्रूट दिखेंगे आप। एक भी ऐसा घर नहीं होगा जैसा फल फ्रूट का पेड़ नहीं होगा। पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना तो जो ज्योग्राफी की जो बुक्स होती है सिलेबस, उसमें होता था कहाँ कौन सी फसल पैदा होती है, चाय कॉफ़ी है ये आपका ना, ये रबड़ है ये सब। लेकिन अभी ये सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आ गए हैं फिर मेन रोड पे। सागवान, इसको सागवान बोलते हैं आई थिंक हिंदी में। फर्नीचर के लिए बहुत यूज़ करते हैं। अभी
KSRTC. क्या नाम है जगह का? पट्टी मोटम, पट्टी मोटम और रूबी फैशन से मैंने रोज लिए थे, अभी आने वाला हूँ। भी बहुत ज़्यादा था उसमें, वो कौन सा थोड़ा था ना, थोड़ा तो ये सिल्वर स्टैम्प्स, ये स्टेइंग प्लेस 104, ये देखिए अब मेरे रूम की हालत ख़राब है। अभी ये बहुत सुंदर पेंटिंग लगी हुई है, चाबी तो निकाल लो कम से कम।